मन आए ऐसे ही यहाँ पटने में रह गए, घूमते रह गए, गांव भी नहीं गए। बाल बच्चा घरे रहता है ऐसे ही तकलीफ ने, पैसा नहीं है तो अभाव ने कहाँ बाल बच्चा के दिखावेंगे। काम करता है पैसा नहीं तो भगा देता है कि नहीं देंगे, अफसर शाही है। एक दिन काम करवाता, दो दिन तक दौड़वाता, उसके बाद तीसरा दिन आधा पैसा देता, उसके बाद कहता काम करने के बावजूद उसको मिलेगा, फिर आधा पैसा अटका देता। नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं अभी खड़ी हूँ भट्टाचार्य मोड़ के लेबर चौक पर। जी हाँ, इसका नाम से आप समझ गए होंगे कि लेबर चौक इसे क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी संख्या में आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितने सारे मजदूर खड़े हैं, और जिनको हम अपने कैमरे में नहीं शामिल कर पा रहे हैं, कुछ सीमित मात्रा में हम शामिल कर पा रहे हैं क्योंकि और भी यहाँ पे लोग हैं। और देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पे खड़े हैं, और ये सब रोज यहाँ आते हैं, साल के 365 दिन यहाँ उपलब्ध रहते हैं। कोई गर्मी, जाड़ा, कैसा भी मौसम हो, बरसात हो या कोई त्यौहार ही क्यों ना हो, ये डेली यहाँ आते हैं क्योंकि ये डेली वेजेस पे काम करते हैं। अगर एक दिन इन्हें मजदूरी ना मिले तो इनके बच्चे भूखे रह जाएंगे, इनका परिवार नहीं चल पाएगा। ऐसे में इनको क्या कुछ तकलीफ हो रही है, और क्या इस दशहरा में जैसे आपने इस दशहरा को एंजॉय किया, क्या इन्होंने भी किया है? आइए हम इनसे ही पूछते हैं क्या तकलीफ है। बहुत तकलीफ है कि हमारा बेटा बीए करके आईटीआई करके बैठे हुए हैं, नौकरी चाकरी के तलाश में लगल है, इधर उधर घूम रहा है, भटक रहा है, जो कि नौकरी नहीं हो रहा है, सरकारी व्यवस्था के चक्कर में है, नहीं हो रहा है नौकरी। ऐसे ही हम दो पैसा चार पैसा मजदूरी करते हैं, वो पैसा से इधर उधर बाल बच्चा के कैसे कैसे करके खिला पिला रहे हैं, चला अच्छा, रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात है कि आप डेली वेजेस पे काम करते हैं, और डेली वेजेस पे काम करके भी आप अपने बेटा को आईटीआई करवाए हैं। हाँ, डेली मजदूरी कर करके बेटा के आईटीआई करवाए हैं, बीए इलेक्ट्रीशियन से बीए करवाए हुए हैं, इंजीनियरिंग करवाए, इलेक्ट्रिक इंजीनियर करवाए। हाँ, इलेक्ट्रीशियन के इंजीनियरिंग करवाए हैं, जे इधर उधर भटक रहा है, जे नहीं हो रहा है नौकरी। तो आपको क्या यहाँ पर आते हैं तो क्या रोज आपको डेली वेजेस पे लोग आके ले जाते हैं काम करवाने के लिए? कोई गारंटी नहीं है, कभी आते हैं तो घूर के चल भी जाते हैं घरे, कभी नहीं लगता है, और कभी कभी आते हैं तो कर भी लेते हैं। ढेर दिन पर आते हैं तब 15 रोज पर, 8 रोज पर, 10 रोज पर आते हैं तो कभी कभी कर लेते हैं, कभी कभी घूर के चल भी जाते हैं, रातें आए तो पर आते भाग गए, नहीं काम धराता है। दशहरा में मिला है काम? दशहरा में नहीं मिला है काम, ऐसे ही घूम करके चल गए हैं। तो आप अपने परिवार के साथ दशहरा नहीं मनाए? नहीं मनाए, ऐसे ही यहाँ पटने में रह गए, घूमते रह गए, गांव भी नहीं गए। पैसा नहीं है तो अभाव ने कहाँ बाल बच्चा के दिखावेंगे सुनावेंगे, यही अभाव ने यहीं रह गए ऐसे ही घूमते घामते, बाल बच्चा घरे रहता है ऐसे ही तकलीफ ने, और फोन भी करता है तब एगो मोबाइल है तब हम कहाँ से पैसा हाथ पर नहीं है, नहीं है तो कहाँ से बढ़ गया कि हम लोग क्या कर सकते हैं, मोबाइल ले रख के भी जाना जापूच ही है, हाथ मार रहा है मोबाइल, बाइक वाला ले कर उड़ जा रहा था, हम लोग क्या करें। बिहार में इतना दिक्कत है, 10 दिन काम मिलता है, 20 दिन काम नहीं मिलता है, बेरोजगारी इतना है, सरकार में बहुत सा कमी है, नीतीश सरकार को हटाइए। लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कमाने खाने वाला आदमी है, रोजगार कोई नहीं है, यहाँ काम करवाने के बावजूद भी हम लोग का सैलरी नहीं मिल पा रहा है, उसको बाद बड़े आदमी छोटे को चांद दे रहा है, छोटे को कोई बड़े नहीं समझ रहा है, इसीलिए हम लोग का कोई रोजगार नहीं है, तो हम लोग लेबर क्लास में भर्ती होके राजमिस्त्री काम कर रहे हैं। काम करता है पैसा नहीं तो भगा देता है कि नहीं देंगे, अफसर शाही है। भी करवा लेता है और पैसा भी नहीं देता। नहीं, दूसरे दिन ले लेना बोलता है कि दूसरा दिन लेना, अभी पैसा नहीं है। दूसरा दिन जाते हैं तो एक दिन के दिया तो दो दिन के रख लिया तब टहलते रहिए, उसके पास पैसा नहीं मिलेगा, काम करते जाइए और उसके यहाँ जमा करते जाइए। दिक्कत ये है कि पार्किंग के नाम पर जगह को पैक कर दिया जाता है, वो पार्किंग क्या है, वो दलाली है, यानी कि भीतरे भीतरे वो पार्किंग में क्या की पार्किंग है, यहाँ अभी एक घंटे के बाद यहाँ से सबको भगाना शुरू कर देगा, क्या तो मेरा अंदर में जगह पड़ता है, ये गलत है। पार्किंग यहाँ जो दमंतराइज है, खाली वो सब भीतरे भीतरे पार्किंग के नाम पर जगह को कब्जा किए हुए, लेबर किसी को बैठने नहीं देता, क्या तो मेरा जो अंदर में जगह है। एक दिन काम करवाता, दो दिन तक दौड़वाता, उसके बाद तीसरा दिन आधा पैसा देता, उसके बाद कहता काम करने के बावजूद उसको मिलेगा, फिर आधा पैसा अटका देता। हम लोग का यहाँ कोई देखने वाला नहीं है तो फिर हम लोग को रोजगार कौन देगा?
इतना कहा, इतना सरकार बोली कि तुम लोग रोजगारी मिलेगा, मगर हम लोग को क्या रोजगार मिला? जब हम लोग को रोजगार मिलता तो हम लोग रोड पर क्यों बैठते हैं? इसके बावजूद सरकार बोला कि गरीब पर ध्यान देंगे, हम लोग पर कोई ध्यान नहीं है। यहाँ बड़े को उठाए जा रहे हैं, छोटे को गिराए जा रहे हैं। बिहार में इतना गरीबी है कि आदमी रोड पर टहर रहा है, काम नहीं मिलता है। ऐसा सरकार बन गया है बिहार में कि कोई देखने वाला नहीं है। बिहार ऐसा सरकार के रखना नहीं चाहिए, सरकार बदल के रखना चाहिए। यह सरकार कोई गरीब को ध्यान नहीं देता, ना आधार का थी पैन कार्ड बनाएगा, ना कुछ बनाएगा, कोई देख रेख करने वाला नहीं है। एक दिन मिली है 300-400 ये मिला रहे तो वह पैसा गायब। 180 रुपये किलो कड़वा तेल है, हम लोग पावर में रिफाइन में मिला के खाते हैं मेंटेनेंस करके। गरीब आदमी उतना कहाँ से खाएगा? 800 रुपये किलो मीट है। तेल खरीदने का पैसा होगा तो एक दिन कमाएगा, 20 दिन बैठ के खाएगा, कहाँ से आएगा? हम लोग मतलब हम लोग के लेबर कार्ड बनना चाहिए, उस पर पैसा सरकार कुछ देना देगा तभी तो हम लोग के समय गुजारा। इतना महंगाई हो रहा है तो वैसे में कोई कारोबार कैसे चलेगा बताइए? अब हम बिजनेस हर एक धंधा पानी भी बंद है, कहीं लोग हैं जो कई दिन तक भूखे रह जाते हैं, क्या करेंगे? एक तो मंदिर है ऐसा जो नहीं जाना चाहिए, जो भिकमंगों के लिए बना हुआ, वहाँ जाकर घुस के खाते हैं पेट के जले हुए, क्या करेगा? क्या करेंगे, है ही नहीं खाने के लिए कुछ, तो चोरी करेंगे तो पकड़ाएंगे, मार खाएंगे, क्या करेंगे? कैसे पेट भर ले? कहना है कि सरकार को जल्दी इसको हटाओ और दूसरे को बैठाओ। दूसरा अब आशा तो है हम लोग की करबे करेगा, ये तो बेकार है। इसका बनिया लालू का राज था, मोदी से जगह पर लालू का राज था कि गरीब का राज दिखता था, मगर इसके राज में आप बताइए कि पेट्रोल और कड़वा तेल का महंत में कोई अथी नहीं है। अब बताइए गरीब आदमी सोचेगा गाड़ी से घूमने के लिए तो कैसे घूमेगा? कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है। बोले तो कि एक बार करवा के 3 दिन तक दौड़वाती है, उसके बाद 14 दिन मजदूरी देती है, वो भी बनिया से नहीं दे पाती, आधा देती है आधा नहीं देती है। आज सोचती है कि पूरे देंगे तो ये हो सकता है कि भाग जा। फिर हम लोग को बाल बच्चा का सोचना पड़ेगा कि पर्व त्यौहार में कपड़ा कहाँ से दिलाएंगे और इसको हम घुमाएंगे कहाँ से? 400 में हम लोग क्या कर सकते हैं, आप ही बताइए। हम लोग का 400 में मजदूरी है, 100 रुपया खाना में घुसता है, 100 रुपया हम लोग के पर परिवार में घुसता है और 100 रुपया राशन पानी में घुस जाता है। हम लोग के पास क्या बचा? तो हम लोग बाल बच्चा कहाँ से कपड़े लेंगे या कहाँ से घूम पाएंगे? हम लोग तो हम लोग के पास सरकारी नौकरी नहीं है, कोई जॉब नहीं है, तो हम लोग कहाँ से उतना मेंटेनेंस कर पाएंगे? और ये मोदी सरकार जो है दिन पर दिन गरीब को छोड़ के अमीर को उठाया जा रहा, गरीब को बैठाया जा रहा। अगर हम लोग को कोई रोजगार मिलता तो फिर हम लोग रोड पर खड़ा होकर क्यों दूसरे के सहारा लेते? हम लोग भी शौक था कि हम लोग भी गाड़ी से घूमते, हम लोग भी बढ़िया जॉब करते, हम लोग भी बाल बच्चा के संगे खुशी से रहते। ये मजदूर हम लोग क्या कर सकते हैं? लेबर कार्ड में जो पढ़ा हुआ है उसका भी सपोर्ट है, जो नहीं पढ़ा हुआ उसका भी सपोर्ट है। मान लीजिए ये चचा ये पढ़े हुए नहीं है, इसका आधार कार्ड राशन कार्ड नहीं है, तो बैंक वहाँ जाते हैं तो कहता है कि तुम आधार कार्ड पैन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ, तो हम लोग कहाँ से दें? अनपढ़ जाहिल जट आदमी पढ़े लिखल को कलम के मार से हम लोग को छोटे के गिरा देते हैं। हाँ, हम यही कहना चाह रहे हैं, इतना दिन से बालू बंद है मजदूर के लिए, इतना कोई भी नेता लोग जो है ना इसका कोई निर्णय उपाय नहीं निकलता है, ठीक है ना? इस तरह से अगर कोई कल कारखाना लगा दिया जाए, यहाँ कोई भी यानी कि इंडस्ट्री छोटा छोटा रहे, इतना मजदूरी हम लोग करने के लिए जो है ना सोचना नहीं पड़ेगा। यहाँ का छोटे छोटे बच्चे लोग त्रिशूल स्टेशन जाते हैं, कमाते हैं लोग, नेता लोग कोई के ध्यान नहीं, सिर्फ वोट के ध्यान है। हाँ, यही हमारा नाम कुशवाहा जी है, यही हम सरकार से अपील करना चाह रहे हैं, ठीक है ना? इस पर किसी तरह से भी अंकुश लगा करके हमारा जनता को सही उद्देश्य निकाला जाए। तो आप देख सकते होंगे मेरे पीछे जो मजदूर हैं, यहाँ पे लगभग सैकड़ों की संख्या में मजदूर इकट्ठा होते हैं कि उन्हें रोजगार मिले, डेली वेजेस पे काम मिले, लेकिन वो भी बमुश्किल उनको मिल पाती है। साथ ही जैसे आपने दशहरा मनाया है, इनके नसीब में वो दशहरा नहीं था, क्योंकि दशहरे के दिन भी ये यहाँ पर आए थे रोज़गार की तलाश में, जो रोज़गार इन्हें नहीं मिला। इनका कहना है कि ये रोज़ आते हैं इस उम्मीद में कि आज कोई आएगा, मुझे ले जाएगा और मेरी सही मजदूरी देगा। कितने दिन तो ऐसा होता है कि इन्हें कोई लेने ही नहीं आता, और जिस दिन लेने भी आता है जाके काम करवा लेता है लेकिन उसके पूरे पैसे नहीं देता। लेकिन इनके सुनने वाला कोई नहीं है, इनकी मदद करने वाला कोई नहीं है, और ये इस दशहरे में अपने परिवार को छोड़कर यहीं पर अपने रोजगार का इंतजार कर रहे थे, वो रोजगार जिनका इनको सही मूल्य भी नहीं दिया जाता। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।